ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, और बनेगी बैलेंस शीट। माने आई हैव स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 10th, अभी जो भेजा है। फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेक अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स मार्क करो जिसमें एडजस्टमेंट है। रेंट में पॉइंट है, जनरल एक्सपेंसेस में पॉइंट है, रेंट पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट, देन जनरल एक्सपेंसेस पुट अ टिक मार्क ऑन जनरल एक्सपेंसेस, देन डेटर्स put a tick mark on debtors, then plant and machinery put a tick mark on plant and machinery, then premises put a tick mark on premises, ek manager ki commission hai aur ek aur hai. Let's see, let's begin, start posting the items. Debtors 3,20,000, leave some space. Opening stock, टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, अगली आइटम पोस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 350। कैश एट बैंक 15,450। प्लांट एंड मशीनरी इंटरनल कॉलम 1,75,000, लीव सम स्पेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 106,500। जनरल एक्सपेंसेस खर्चा ऊपर डाल दो, टू जनरल एक्सपेंसेस हाउ मच? इंटरनल कॉलम 10750। सेल्स इनकम बाय सेल्स, बाय सेल्स हाउ मच? 13,45,000। कैरेज आउटवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, टू कैरेज आउटवर्ड्स हाउ मच? 4,000। देन वी हैव रेंट, टू रेंट इंटरनल कॉलम 9,000। बिल पेबल इज माई लाइबिलिटी, बिल पेबल हाउ मच? 75,000। क्या जिसमें है, क्या कह रहे हो? मान्य आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। चलो आगे, देन टू परचेजेस, क्योंकि उधर से प्रॉब्लम होगी ना, इफ यू आर एबल टू हेयर इट। टू परचेजेस 1,18,700। टू डिस्काउंट हाउ मच? 11,000।
डेबिट साइड पे, डेबिट वाला डिस्काउंट पीएनएल में डेबिट साइड पे। प्रेमिसेस बिल्डिंग माय एसेट हाउ मच 3,45,000। कैपिटल लाइबिलिटी हाउ मच 7,90,000। इंटरनल लिखो 7,95,000। ठीक है चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स। लेट्स बिगिन। एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक 1,245,000। आई एम गोइंग टू डू द एडजस्टमेंट विद रेड पेन। क्लोजिंग स्टॉक माई एसेट 1,245,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन ऑन क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,245,000। रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। आउटस्टैंडिंग रेंट एक मेरी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच 850। और एक आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट में ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 850। देन वी हैव 1500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ऐड हाउ मच 1500 एंड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस माई लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस हाउ मच 1500। नेक्स्ट 4,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। चलो जो नीचे चलते हैं। स्टेप वन ये स्टेप्स रिकॉल करने। मान्या आर यू देयर? यस मैम। यस मैम। कैलकुलेट न्यू प्रोविजन फॉर्मूला सन्ड्री डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इंटू रेट अपॉन 100। डेटर्स कितने हैं? सन्ड्री डेटर्स 3,20,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स जो बाहर भी होते हैं। कितने दिए बैड डेट्स? 4,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्या है? 5% इंटू 5/100। 3,20,000 माइनस 4,000 इंटू 5% 15,800। वी आर नॉट रिकॉर्ड इट एनीवेयर। वी विल टेक इट इन स्टेप टू। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल फॉर द बैड डेट्स। कितने हैं जो फॉर द बैड डेट्स? 4,000 प्लस बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस। सी इफ देयर आर एनी बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस। नो बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितनी है? 0 19,800 अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,800। ठीक है जो नहीं है उसको जीरो पुट कर दो। जो नहीं है उसको जीरो पुट कर दो। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी कर दो जीरो माइनस डेप्रिसिएशन हाउ मच 10% 17500। 1,75,000 माइनस 17500 15,750,000। चलो जी टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी शो करो। प्लांट एंड मशीनरी 17500 एंड प्रेमिसेस बाय 2%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो माइनस डेप्रिसिएशन 3,45,000 का 2% 6,900। 3,381,000 टू डेप्रिसिएशन किस पे? प्रेमिसेस कितनी? 6,900। नेक्स्ट मैनेजर इज एन टाइप एक नया पॉइंट आया
पहले 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं। फायर ब्रेक आउट ऑन 1 अप्रैल 2020 डिस्ट्रॉइंग गुड्स। अब ये देखो ये लास्ट कब बन रहा है, ये बन रहा है 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2020 इज आफ्टर 31 मार्च 2020, एम आई राइट? 1 अप्रैल 2020 इज आफ्टर 31 मार्च 2020, एम आई राइट? इसका तो ये तो इस साल की ट्रांजेक्शन ही नहीं है। मान्या ये मेरा बन रहा है 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 तो इसके बाद आएगी ना, तो 6 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना, लीव इट। ये जान के उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, नेक्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन इस साल में थोड़ा रिकॉर्ड होगी, लीव इट। नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, सो राइट डाउन द पॉइंट फॉर चार्जिंग कमीशन टू मैनेजर, राइट डाउन। हाउ एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, अभी मैं बुक के तरीके, बुक में सेकंड एडजस्टमेंट है, इसमें दो एडजस्टमेंट होती है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेट्स बिगिन विद द पॉइंट फर्स्ट। पहले आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन करो, जीपी निकालो, कैलकुलेट जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 60,800। कैसे आता है, क्रेडिट माइनस डेबिट, उस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखो 60,800, ठीक है। चेक भी कर लो एक बार, आ रही है 1,3,4,5,00 प्लस 1,2,4,5,00 माइनस 2,20,000 माइनस, ये क्या हुआ, अच्छा 1,3,4,5,000 है, तब मैं चलो अब ठीक है आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे इधर वाले पे माइनस कर दो, 9,000 जो इंटरनल है उसको आउटर कॉलम में लिखो, 9,850 10750 प्लस 1,500 दैट इज 12,250 60,800 माइनस 4,000 माइनस 9,850 माइनस 12250 माइनस 11,000 माइनस 19,800। ओहो चलो करते हैं, इट्स ओके, 19,800 माइनस 17,500 माइनस 6,900 वो कह रहे हैं मैनेजर को कमीशन दो नेट प्रॉफिट की, बट प्रॉब्लम ये हुई क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आया ही नहीं, नेट लॉस आ रहा है, तो हम क्या नीचे लिख देंगे, तो इस क्वेश्चन में तो कमीशन का पॉइंट ही नहीं आया, ठीक है। मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे कमीशन दो, प्रॉब्लम क्या हुई इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमें क्या हो गया लॉस, हमें क्या हो गया लॉस, तो आप बाय साइड लिख दो बाय नेट लॉस, क्या लिख देंगे बाय नेट लॉस, ठीक है। अपना प्रॉब्लम है मेरा लॉस भी गलत आ रहा है, चेक कर, कोई आइटम जो मैंने मिस कर दिया, प्लस 2,250 हाँ सैलरी नहीं लिखी, आ गया लॉस, 2 सैलरी लिख दो, आई डिड नॉट सी 2,250 मेरा लॉस आ गया, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है लॉस 4,2,750। तो इस क्वेश्चन में तो कमीशन का पॉइंट ही नहीं आया, लॉस आया, लॉस कैपिटल में से माइनस माइनस नेट लॉस एंड दिस टोटल बोथ साइड्स 9,3,6,100 और नीचे नोट लिखो, सिंस देयर इज नेट लॉस इन द बिजनेस मैनेजर इज नॉट एंटाइटल्ड टू कमीशन, कमीशन ही देनी थी ना मैनेजर को, तो ये निकाल देती नेट प्रॉफिट निकाल के टू 8% कर देती, बट यहाँ पे नोट लिखेंगे सिंस देयर इज लॉस इन बिजनेस नो कमीशन टू मैनेजर नोटेड डाउन, ठीक है।
complete the sum. अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैनेजर को कमीशन देंगे. आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन. चलो अब इस क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन देंगे. बट ये देखो इसमें भी लॉस है, ये भी लॉस का ही क्वेश्चन है. लेट मी सर्च फॉर अ क्वेश्चन इन विच मैनेजर इज विल बी गिवन कमीशन ऑन प्रॉफिट. बट चलो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, मैनेजर की कमीशन कल कर लेंगे. इसके मैं पॉइंट समझा रही हूँ, आप खुद करोगे. लेट्स बिगिन. ये GST के साथ क्वेश्चन है जो मैंने अभी भेजा है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज 37,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 35,000. कौन सी वैल्यू लेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. तो 19th क्वेश्चन करेंगे आप इसके जैसा जैसा मैंने अभी कराया. सो क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे, 35,000. सेकेंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे, वेजेस में ऐड और मेरी लायबिलिटी. सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड और मेरी लायबिलिटी. थर्ड पॉइंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%. डेप्रिसिएशन कैसे सिखाई, उन एसेट्स में से माइनस और P&L में मेरा खर्चा. फोर्थ पॉइंट, परचेजेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी. अगर गुड्स के परचेजेज में परचेज ऑफ मशीनरी डल जाए तो परचेज ऑफ मशीनरी को क्या कर देंगे, माइनस, और मशीनरी में क्या कर देंगे, ऐड. तो परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी, व्हाट वी विल डू, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेजेस, ऐड टू मशीनरी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन आप कैसे लगाओगे, ठीक है ना. जो नई वाली मशीनरी खरीदी है 10,000, उस पर 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन लगाओगे. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 19. मैं डेप्रिसिएशन बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ इसके, जो जो डिफिकल्ट है. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कैसे निकालेंगे, मशीनरी देखो पिछली कितनी थी, 2,05,000 पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन 10%, 20500, और 10,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी, 10,000 पे 10%, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 500. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, 21,000. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, 21,000, ठीक है. देन वी हैव डेटर्स इंक्लूड बैड डेट्स ऑफ 2,000, फर्दर बैड डेट्स हो गए, एंड मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये भी मैं बता देती हूँ उन्होंने कैसे निकाली होगी ताकि आपके एडजस्टमेंट्स हो जाए. 50,000 के डेटर्स हैं, फर्दर बैड डेट्स माइनस करो इनटू रेट अपॉन 100, 10 अपॉन 100, 4,800 अमाउंट to be debited to P&L. Further bad debts 2,000 plus bad debts inside the trial balance. अंदर कितने bad debts है ही नहीं, 0. Plus new provision अभी निकाली 4,800 minus old provision है 13,000. old provision कितनी है, 13,000. 6,800 minus 13,000. hello, हाँ जी, अच्छा मैम एक मिनट चेक करते हैं मैम. हाँ जी मैम, दिस इज 178597. चलो आगे, 6,200 आ गया अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L, ठीक है. और स्टेप थ्री, अच्छा ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. सो वी हैड अ न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. ये देखो मेरी PDD नेगेटिव आ गई, 13,000 इज ग्रेटर. क्या करना चाहिए, राइट डाउन इफ PDD कम स्टेप टू कम्स नेगेटिव. लिखो लिखो, इफ स्टेप टू कम्स नेगेटिव इट विल बी शोन
ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल, तो ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, बाय पीडीडी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 6200, क्योंकि ना नेगेटिव फिगर से कभी भी अकाउंट्स में आइटम्स नहीं शो होते, सो इफ पीडीडी कम्स नेगेटिव इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट सिक्स, मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन, बट आंसर से मुझे दिख रहा है लॉस है, तो सिंस लॉस नो कमीशन. अच्छा, एक अब ना इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जीएसटी का. तो सबसे पहले तो जीएसटी का की पॉइंट लिखो फॉर फाइनल अकाउंट्स. जीएसटी इज नेवर टेकन इन ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट. ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट में तो जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जीएसटी इज सेट ऑफ वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड रिमेनिंग जीएसटी शोन इन बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट में शो करेंगे. हाउ 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 दैट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना. मैं ना सेट ऑफ चार्ट बनाऊंगी जिसमें ना आउटपुट जीएसटी ऊपर लिखेंगे, ध्यान से सुनना, और इनपुट जीएसटी इधर लिखेंगे. तो इनपुट सी जी एस टी भी है, एस जी एस टी भी है, आई जी एस टी भी, बट आउटपुट में सिर्फ आई जी एस टी, इनपुट में सी जी एस टी और एस जी एस टी. अच्छा, एक रूल है, आउटपुट आई जी एस टी कैन बी यूज टू सेट ऑफ इनपुट सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, इनको सेट ऑफ कर सकते हैं, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी. तो मेरे पास आउटपुट कितना है 15,000, इनपुट सी जी एस टी एस जी एस टी कितना था 9,000 एंड 9,000. इसका मतलब पहले मैंने सी जी एस टी सारा सेट ऑफ कर दिया 9,000. एस जी एस टी कितना सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ 6,000. इसका मतलब इनपुट एस जी एस टी कितना सेट ऑफ नहीं हुआ 3,000. आई रिपीट, आउटपुट आई जी एस टी मेरे पास कलेक्शन होती है. ये क्या होती है, कलेक्शन. मेरे पास 15,000 रुपये कस्टमर के पड़े हुए हैं, उसमें से आई हैव अ राइट मैं इनपुट सी जी एस टी और एस जी एस टी सेट ऑफ करूँ. तो मैंने जब इनपुट सी जी एस टी सेट ऑफ किया 9,000 और इनपुट एस जी एस टी सेट ऑफ किया, तो सी जी एस टी तो पूरा सेट ऑफ हो गया, बट एस जी एस टी सेट ऑफ नहीं हो सकता था, क्योंकि एस जी एस टी 9,000 पे किया, जबकि हाँ मेरे पास आउटपुट एक्स्ट्रा कितना बचा, सिर्फ 6,000. इसका मतलब 3,000 अभी भी एस जी एस टी सेट ऑफ नहीं हुआ. अच्छा, इनपुट टैक्स हमारी क्या होती है, एसेट, और आउटपुट क्या होता है, लायबिलिटी. बस ये इनपुट एस जी एस टी बैलेंस शीट में शो हो जाएगा जितना बचा, इनपुट एस जी एस टी कितना बचा, 3,000. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड ऑल डिफिकल्ट पॉइंट्स आर डन. एक और है, बस हिडन एडजस्टमेंट देख लेना. इसमें ना हिडन एडजस्टमेंट्स होती है. जिसने 19 क्वेश्चन अपने आप कर लिया ना, आई वुड बी हैप्पी कि आपको अकाउंट्स आ गया. मैंने एडजस्टमेंट सारी आपको लिखवा दी है. एक और पॉइंट क्या है, ये देखो अंदर 10% बैंक लोन है, हिडन एडजस्टमेंट. तो मैंने सारी तो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स बता दी. हिडन एडजस्टमेंट, 1,50,000 का बैंक लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट, 15,000 इंटरेस्ट पेड. कहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट. देखो इंटरेस्ट पेड कितना है बैंक लोन का, 12,000. चेक करो अंदर पी एंड एल में इंटरेस्ट पेड कितना शो हुआ हुआ है, टू इंटरेस्ट. अंदर दिया हो ना इंटरेस्ट पेड 12,000, करना कितना था 15,000. 3,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ठीक है जी, और साथ में ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, अपने आप ही जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपने लोकेट करना है जिसमें है और उसको शो करना है. और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट. जस्ट सी द पॉइंट्स ऑफ दिस सम, वेरी गुड पॉइंट्स, नोट देम डाउन. ठीक है जी, सो कंप्लीट दिस सम. ठीक है ना, एंड सबमिट मी. ये सम कंप्लीट करके मुझे दिखा.